नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीव गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स का डिजिटल चैनल। यहां पर पंजाब किंग्स ने अपने टीम में एक नए कोच को शामिल कर लिया है। जी हां, ये खबर बिल्कुल सही है कि पंजाब किंग्स में एक नए कोच की एंट्री हुई है। पंजाब किंग्स एक पूरी बदली हुई टीम है, रेनोवेशन हुआ है, पंजाब किंग्स को नया नाम मिला है, नई पहचान मिली है। तो अभी कौन है जिसको प्रीति जिंटा की टीम ने हायर करा है? अगर प्रीति जिंटा की बात करें तो उन्होंने यहां पर नए कोच को हायर कर लिया है और उनका नाम है डैमियन राइट। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, डैमियन राइट को यहां पर हायर कर लिया है। 45 वर्ष के डैमियन राइट ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बोलर है और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बोलर होने के साथ साथ एक कमाल का इनके पास एक्सपीरियंस है और इनको फास्ट बोलिंग की यहां पर जिम्मेदारी देगा पंजाब किंग्स। लेकिन वहीं पर हेड कोच अनिल कुंबले, जॉन रोड्स इनके फील्डिंग कोच, वहीं पर बैटिंग कोच इनके वसीम जाफर और साथ में इनके जो असिस्टेंट कोच हैं यानी कि एंडी फ्लावर, वो भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। और इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में हम आपको बता दें, बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया की घरेलू लीग है, बिग बैश लीग में वहां पर ये हर्बर्ट ह्यूरिकेन्स और मेलबर्न स्टार्स के लिए बॉलिंग कोच रह चुके हैं। न्यूजीलैंड की टीम के लिए इन्होंने बॉलिंग कोच का पद संभाला है और साथ ही साथ बांग्लादेश की अंडर 19 टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं। तो वहीं पर जब इनकी खबर आई कि इनको पंजाब किंग्स ने अपने साथ इंक्लूड कर लिया है तो इन्होंने खुद ट्विटर पे लिखा कि पंजाब किंग्स के साथ काम कर और जुड़कर बेहद खुश हूं, साथ ही साथ उनके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि जिस तरह की टीम है वो एक बहुत अच्छी टीम लग रही है और आईपीएल में 2021 के आईपीएल में प्रबल दावेदार है पूरे आईपीएल को जीतने के। उन्होंने इस बात की पुष्टि की ट्विटर के दौरान। वहीं पर हम अनिल कुंबले की बात करें तो अनिल कुंबले ने भी उनका स्वागत कराया और उन्होंने कहा है कि जो डैमियन है उनके पास एक कमाल का एक्सपीरियंस है और उनका ये एक्सपीरियंस टीम को और मजबूत करेगा। तो आपको क्या लगता है कि डैमियन राइट के आने से पंजाब किंग्स और मजबूत होगी, उनकी बॉलिंग और मजबूत होगी? क्योंकि 12 मई को यहां पर पहला मैच होगा राजस्थान के विरुद्ध पंजाब का और राजस्थान उनके सामने होंगे, तो क्या राजस्थान को हरा पाएंगे? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।